नमस्कार, मुंबई लोकल ट्रेन में अनुमति के लेके ताजा खबर सामने आ रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र मुंबई में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। राज्य सरकारें अपने स्तर पर पाबंदियों का ऐलान कर रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील ने आज गुरुवार की इन्हीं पाबंदियों के संबंध में अहम जानकारी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में अभी वीकेंड लॉकडाउन को लेकर चर्चा जरूर हुई है, मगर इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार से चर्चा के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, बीते 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा केसेस केवल मुंबई से ही आ रहे हैं। दर्जनों पुलिसकर्मी संक्रमित हो चुके हैं। अकेले मुंबई में ही अब तक 9,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है, लोगों के मन में ये सवाल आने लगा है, क्या मुंबई लोकल ट्रेन फिर से बंद कर दी जाएगी? तो आइए दोस्तों, आप सभी को ताजा खबर बताएं। गृह मंत्री ने लोगों को राहत देते हुए कहा कि मुंबई में फिलहाल लोकल ट्रेन बंद करने का विचार नहीं किया गया है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर बताया कि महाराष्ट्र में मुंबई में 80% बेड खाली पड़े हैं। ऑक्सीजन की मांग भी अभी स्थिर है। दोस्तों, गृह मंत्री ने भले इस संबंध में कुछ ना कहा हो, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से कोरोना वायरस बढ़ रहा है, मुंबई में बसों और लोकल ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो सकता है, क्योंकि इन सेवाओं से जुड़े कर्मचारी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र मुंबई में किसी भी तरीके का लॉकडाउन ना लगे तो ही आम पब्लिक अच्छा है। मुंबई लोकल ट्रेन में 2 डोज वाले को अभी अनुमति मिल रही है। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र मुंबई की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।